मैं अमन गुप्ता पुत्र श्री अजय प्रकाश गुप्ता जो कि सिविल डिफेंस में थे और उनको हम लोग ने स्वरूप उनको हार्ट में सांस कार्डियो में हम लोग ने एडमिट किया था, सांस लेने में दिक्कत थी तो स्वरूप रानी हम लोग लेके गए, तो पहले कोविड केयर वाले में रखे थे तो वहाँ पे जांच उनकी निगेटिव आई तो फिर उनको शिफ्ट किया गया SRN के कार्डियो डिपार्टमेंट में, तो फिर वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था, स्थिति कल तक ठीक थी। आज सुबह थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो फिर हम लोग फिनिक्स लाने के लिए गए, तो यहाँ डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टरों ने कहा आप लेके आइए बड़े अस्पताल में आप करिए, नहीं तो आप किसी बड़े अस्पताल में, नहीं तो आप यहाँ ले आइए, यहाँ पे ले आइए। उनसे बात हुई है, उन्होंने जब कह दिया कि हाँ हम ले लेंगे तब उनको लेके आया गया, उनको लेके आया गया 45 मिनट तक एम्बुलेंस में बाहर ऐसे पड़े रहे, कोई तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया, उसके बाद ये रिपोर्ट दीजिए, फिर से कोविड की जांच, फिर आधार कार्ड मांग रहे हैं पेशेंट का, ये सब मांग रहे हैं, सारी चीज प्रोवाइड करवा दी गई, आप कम से कम कुछ सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के नहीं आता, प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया यहाँ पे, ट्रीटमेंट तो करना चाहिए था, अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है हम सब कुछ मानते हैं भाई, निगेटिव रिपोर्ट है, निगेटिव हमारे पास पूरी, तो FIR दर्ज हुई कि नहीं, क्या पुलिस आई तो क्या कही? हाँ पुलिस वो कंप्लेन किया गया है जॉर्ज टाउन थाने में, अपूर्व गुप्ता जी ने कंप्लेन की है, चोर अस्पताल है साला, एक एक घंटा बाहर इसको खड़ा कराएंगे तो आदमी तो मर ही जाएगा, तो हम साला वहीं रखे थे कम से कम, थे तो वहाँ पे जिंदा, यहाँ पे पेशेंट की स्थिति थी, यहाँ डॉक्टर के कहने पे गया, नहीं लेंगे पहले, नहीं लेंगे पहले वो बोल दिया होता तो हम लोग लेके आते, वहाँ से निकाला नहीं होता, आदमी खड़ा खड़ा मर गया यार, हमें अच्छा खाता परसों थे यार, आराम से बोल रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कल शाम तक अच्छे थे, इसके ऊपर प्रशासन से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस हॉस्पिटल के ऊपर और बैन होना चाहिए, हमें क्या इतने बजे लेके आइए, हम उतने बजे लेके आते हैं, आप हमें स्लॉट दीजिए।